नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। फटाफट नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। उच्च न्यायालय का अहम फैसला, सरकारी कर्मी पति की मौत के बाद विधवा यदि किसी बच्चे को लेती है गोद तो वह संतान पारिवारिक पेंशन का नहीं होगा हकदार। अदालत ने कहा कानून के प्रावधान के अनुसार कोई विवाहित हिंदू महिला पति की सहमति के बिना नहीं ले सकती है बच्चा गोद। इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्से में बुधवार को जोरदार भूकंप के झटके किए गए महसूस। किसी तरह के गंभीर जान माल के नुकसान की नहीं है कोई खबर। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.1 और इसका केंद्र गोरांतलो के 65 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में समुद्र के 147 किलोमीटर की गहराई पर था। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनावी कार्यक्रम की आज हो सकती है घोषणा। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। तेलंगाना के सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति खम्भन शहर में एक जनसभा करेगी आयोजित, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री एनआरआई विजयमन, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा होंगे शामिल। दिल्ली विधानसभा में नोट कांड, आप विधायक ने लहराई नोटों की गड्डिया, जमकर हुआ हंगामा। वहीं यमुना में प्रदूषण को लेकर बीजेपी विधायकों ने सदन में किया हंगामा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक विधानसभा में नेता विपक्ष बीके हरिप्रसाद का एक और विवादित बयान आया सामने। बीके हरिप्रसाद ने खुद को बेचने वाले विधायकों की तुलना वेश्या से की। बीके हरिप्रसाद ने यह बातें होसापेट इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। राजस्थान के उदयपुर में हैवानियत की हदें पार करने वाला मामला आया सामने। 13 साल की बच्ची का अपहरण करने के बाद 5 दिन तक 6 लोगों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने मामले में आरोपियों को किया गिरफ्तार। रोडवेज, बस कंडक्टर, ऑटो चालक, दुकानदार सहित अन्य आरोपी शामिल। राजसमंद जिले की रहने वाली है पीड़िता। वारदात उदयपुर की धर्मशाला में हुई घटित। बिहार शरीफ में डीए ऑफिस के सामने सोगरा हाई स्कूल के मैदान में फंदे से झूलता मिला युवक का सब। पूरे इलाके में फैली सनसनी, सबको देखकर लगता है हत्या के बाद फुटबॉल खेलने के लिए बनाए गए लोहे के पोल पर लटकाया गया। वाले की पहचान कायमपुर गांव के उपेंद्र कुमार के रूप में हुई, जो बिहार शरीफ में रहकर मध्य निवेश सिपाही की कर रहा था तैयारी। मरने वाले युवक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। सड़क पार कर रहे आईआईटी दिल्ली के 2 छात्रों को कार चालक ने कुचला, एक की मौत, एक घायल। दिल्ली की एसडीए मार्केट के पास बीती रात हुई दर्दनाक घटना। घायल का मैक्स अस्पताल में चल रहा उपचार। हादसे के घायल अशरफ नवाज के इलाज के दौरान सफदरगंज अस्पताल में हुई मौत। अंकुर शुक्ला का साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में जारी है इलाज। दोनों आईआईटी दिल्ली के सामने एसडीए मार्केट रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद कर रहे थे सड़क पार। इसी दौरान नेहरू प्लेस की ओर से आ रही कार ने दोनों को मारी टक्कर। कुछ दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हालत में लावारिस हालत में मिली कार। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर की समस्या और आतंकवाद पर दिया बयान। कहा कश्मीर की समस्या जब तक नहीं होगी खत्म जब तक हम अपने पड़ोसी से नहीं करते बात और तब तक मुद्दे का वास्तविक समाधान नहीं ढूंढते। अब्दुल्ला ने कहा जब तक हम नहीं होंगे एक तब तक भारत प्रगति नहीं कर पाएगा और नहीं होगा देश मजबूत। 85 वर्षीय फारूक अब्दुल्ला ने एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान दिया बयान। प्रयागराज के माघ मेले में मौलाना ने लगवा रखा इस्लामिक साहित्य का स्टॉल, पुलिस ने पकड़ा तो सामने आई खतरनाक साजिश। आंखों में गजवा ए हिंद, यानी भारत को पूरी तरह मुस्लिम मुल्क बनाने का सपना दिखाने वाले साहित्य बरामद। पुलिस ने प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम तट पर लगे माघ मेले में चोरी छुपे इस्लामिक साहित्य बेचने के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस की शुरुआती जांच पड़ताल में हुई जानकारी। गिरफ्तार अभियुक्त मौलाना महमूद हसन गाजी ने छपवाई थी किताबें। संगम नगरी प्रयागराज में नर्सिंग की छात्रा के साथ लव जिहाद का सनसनीखेज मामला आया सामने। आलम बनकर करीबी ने रचाई सादी 2 गोलियां खाकर न्याय की लड़ाई लड़ रही पीड़िता। नर्सिंग की छात्रा से धर्म छिपाकर कोर्ट मैरिज करने वाले ने करीबी रिश्तेदार से गोली चलवाकर मौत के घाट उतारने की किया कोशिश। पीड़िता का पुलिस सुरक्षा में चल रहा इलाज। वन मंडल के जनकपुर वन परिक्षेत्र में बीते 1 महीने से आतंक का पर्याय बना तेंदुआ, आखिरकार फंसा पिंजरे में। तेंदुए के पिंजरे में फंसने की जानकारी मिलने के बाद वन अमले के साथ ही साथ ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। 4 दिन में तेंदुए ने किए थे 3 शिकार। निजी अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने धमतरी पहुंचे 5 नक्सलियों को धमतरी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों में 2 महिला 2 पुरुष सहित एक नाबालिग लड़की शामिल। नक्सली महिला की आंख में समस्या होने पर उसका उपचार कराने आए थे 5 लोग। पुलिस ने महिला को बताया नक्सली हार्डकोर। पकड़े गए आरोपियों के पास से नक्सली प्रचार साहित्य, बैनर, मोबाइल, फर्जी आधार कार्ड, एक वाहन जब्त। रीवा जिले के चोराटा पुलिस ने कार सवार 2 तस्करों को पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से 1 क्विंटल 800 ग्राम गांजा बरामद। आरोपियों से की जा रही पूछताछ, हो सकता है बड़ा खुलासा। दुकान का ताला तोड़कर घुसे बदमाशों ने कपड़े, नकदी सहित चांदी के बने गणेश, लक्ष्मी, कछुआ मूर्ति किया चोरी। लाखों रुपए कीमती सामान किया पार। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शुभ मंगल दीप मैरिज गार्डन के पास हुई घटना। ग्रामीण क्षेत्रों में जारी है बिजली तार की चोरी। चोराटा थाना क्षेत्र के खोखमा रिमारी गांव में लाखों रुपए कीमती एल्युमिनियम बिजली की तार चुरा ले गए बदमाश, पुलिस तलाश में जुटी। आंगनवाड़ी केंद्र में चोरों का धावा, केंद्र में रखा गेहूं, सोया, बर्फी, पुराने बर्तन, खिलौने सहित स्टेशनरी का सामान चोरी। रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के पहाड़िया आंगनवाड़ी केंद्र 3 का मामला।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को राजधानी रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके फहराएंगी तिरंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर जिला मुख्यालय में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। हरियाणा पंजाब समेत उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड। इस बीच मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा दिल्ली के आसपास के इलाकों में ठंड से मिलेगी राहत, लेकिन बारिश लोगों को कर सकती है परेशान। भोपाल में कोविड 19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बुधवार से कोविशील्ड के टीके लगाने की प्रक्रिया शुरू। जिन लोगों को वैक्सीन लगवाए हुए 6 माह से अधिक हो चुके हैं उन्हें प्रिकॉशंस लेना अनिवार्य। अपने आसपास के तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 के साथ। नमस्कार।